हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय स्टडी। फ्रेंड्स, देखेंगे पीरियाडिक टेबल का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें फर्स्ट है नायोबियम। नायोबियम को याद रखेंगे, इसे रिप्रेजेंट करते हैं NB से और इसका परमाणु क्रमांक होता है 41। यही आपको याद रखना होता है, यही पेपर में आपको पूछा जाता है। तो नायोबियम को याद रखने के लिए आप याद रखेंगे नायाबम, ये वर्ड आप ध्यान देंगे। जैसे नायोबियम आएगा आपके पास सामने एग्जाम में, वैसे आपको याद आएगा नायाबम। और नायाबम ध्यान रखेंगे कि भारत जो है पाकिस्तान पर रात में फेंकता है, जैसे कि आप जानते हैं कि बालाकोट पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो रात में ही हुई थी। तो R का हो गया 4, A का कुछ नहीं, T का 1, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 41 हो गया। नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम को याद कैसे रखेंगे, इसे रिप्रेजेंट करते हैं MO से और इसका परमाणु क्रमांक होता है 42। लेकिन याद रखना है मॉलिब्डेनम से एक वर्ड पकड़ेंगे आप, मौलवी। और मौलवी दिन में रिन साबुन बहुत इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं कि साफ़ सफाई रखते हैं लोग, क्योंकि ये लोग जो कुछ भी इनका पढ़ना होता है पढ़ते हैं, झाड़ फूँक करते हैं ऐसे। तो R का हो गया 4, I का कुछ नहीं, N का 2, तो परमाणु क्रमांक इसका हो गया 42। नेक्स्ट है रुथेनियम। रुथेनियम को रिप्रेजेंट करते हैं RU से, इसका परमाणु क्रमांक होता है 44। याद कैसे करेंगे, रुथेनियम से आपको याद रखना है रूठा, रूठा या रूठे हुए। रुथेनियम से जैसे रुथेनियम का नाम आएगा तुरंत आपको याद आ जाएगा रूठा हुआ कोई आदमी, रूठे हुए आदमी किसी से भी रार कर लेते हैं। यहाँ भी पहले होना चाहिए, रार यहाँ पर होना चाहिए। तो रूठे हुए आदमी को अगर कुछ भी बोल दिया जाए तो तुरंत लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। तो रूठे हुए आदमी किसी से भी रार कर लेते हैं। तो R का हो गया 4 और A का कुछ नहीं, R का 4, ये इसका परमाणु क्रमांक हो गया 44। रुथेनियम से हमेशा याद रखेंगे रूठे हुए, या जैसे रुथेनियम आपके सामने आएगा तुरंत ही आ जाएगा रूठा हुआ आदमी कोई, और रूठा हुआ आदमी किसी से भी रार कर सकता है, राइट। नेक्स्ट है रोडियम। रोडियम को कैसे याद रखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं RH से, इसका परमाणु क्रमांक होता है 45। और याद कैसे रखेंगे रोडियम, तो रोडियम से केवल एक वर्ड याद रखिए रोड। और रोड पे कल्पना कीजिए या फिर सोचिए कि रोड पे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो रोड पे कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन रोड पे रेल चल रही है। याद क्या करेंगे, रोड पे रेल चल रही है। तो ऐसे क्या होगा कि जब भी आप बाहर निकलेंगे रोड पे जाएंगे तो आप कल्पना करेंगे कि रेल चल रही है, ओके। तो देखिए R का 4, A का कुछ नहीं, I का कुछ नहीं, L का 5, इसका परमाणु क्रमांक हो गया 45। नेक्स्ट है पैलेडियम। पैलेडियम को कैसे याद रखेंगे, इसे PD से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 46 होता है। तो पैलेडियम, पहले डीएम, पैलेडियम को याद रखेंगे पहले डीएम बनने का, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे पहले डीएम बनने का राज बताओ। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है और वो डीएम बन गया, ओके। तो डीएम बन गया तो जब आप उसे मिले तो आपकी हालचाल पूछ रहा है, लेकिन आपने क्या बोला, पहले डीएम बनने का राज बताओ। तो जैसे पहले डीएम आएगा आपको वर्ड याद आ जाएगा पहले डीएम, और आपने पूछ लिया बनने का राज बताओ। तो देखिए A का कुछ नहीं होता, R का 4 होता है और J का 6 होता है, यानी कि पैलेडियम का परमाणु क्रमांक हो गया 46। नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर को कैसे याद रखेंगे, सिल्वर आप जानते हैं, तो सिल्वर से सिल्वर शब्द ही याद रखेगा। और सिल्वर की राखियां होती हैं, वैसे सिस्टर्स जो होती हैं रक्षाबंधन के दिन पर राखी बांधती हैं भाइयों की कलाई में, तो आप याद रखेंगे कि हर बहन अपने भाई को सिल्वर की राखी बांधती है। तो R का हो गया 4, A का कुछ नहीं, K का 7, HI का कुछ नहीं, ओके। तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया 47, सिल्वर का 47। इसे रिप्रेजेंट करते हैं AG से और इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है, जिसे आपने याद करने का एक तरीका निकाला। कैडमियम, तो कैडमियम को याद रखेंगे कद, कद कैडमियम से याद रखेंगे कद, और कद किसका, मैम का, तो कद कैडमियम हो जाएगा ये पूरा। कैद कद मैम का रूफ से भी ऊँचा है, रूफ देखिए R का आप जानते हैं कितना होता है 4, O का कुछ नहीं, F का 8, तो कद मैम का रूप से भी ऊंचा है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं CD से और इसका परमाणु क्रमांक होता है 48, जैसा कि आपने याद किया। कैसे याद करना है इंडियम, इंडियम को याद रखने के लिए आपको इंडियन वर्ड याद रखना है। जैसे आपको सामने इंडियम आएगा आपको इंडियन याद आ जाएगा। और इंडियंस जो होते थे पहले, जब 17वीं सेंचुरी के अंतर्गत जब अंग्रेज आए थे, उस समय वो लोग क्या करते थे, अत्याचार बहुत ज़्यादा किया करते थे इंडियंस पे, और ज़्यादातर रोप से मारते थे, रस्सियों से मारते थे या रस्सियों में बांध करके मारते थे। तो वही चीज़ें आपको माइंड में याद रखनी, जैसे इंडियन शब्द आएगा इंडियम, आपको इंडियन शब्द को आपके माइंड में आ जाएगा और याद कर ध्यान आएगा कि अंग्रेज़ जो है रोप में बांध करके मारते थे। R का 4, O का कुछ नहीं, P का 9 और E का कुछ नहीं, तो ये हो गया इसका परमाणु क्रमांक 49। इसे रिप्रेजेंट करते हैं IN से और
इसका परमाणु क्रमांक है 49। नेक्स्ट है टिन। टिन को कैसे याद रखेंगे, टिन को टिन ही याद रखिएगा। और जानते हैं आप कि अगर आपको लस्सी दी जाए तो लस्सी आप कुल्हड़ में पीना ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा टेस्टी भी होती है, लेकिन टिन के बर्तन में केवल भूखे को अच्छी लगती है। अगर बहुत कुछ भूखा होगा, आप ही खुद ध्यान दीजिए, अगर भूखे हैं तो कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी चलता है, कुछ भी खा लेते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया टिन को आप याद रखेंगे, टिन के बर्तन में लस्सी केवल भूखे को अच्छी लगती है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं SN से, इसका परमाणु क्रमांक होता है 50। और देखिए एल का हो गया 5, ए का कुछ नहीं, यस का 0, और चूंकि डबल है तो एक ही बार लिया जाता है, इसका हो गया परमाणु क्रमांक 50। नेक्स्ट है एंटीमनी। एंटीमनी को कैसे याद रखेंगे, एंटीमनी जैसे एंटीमनी हो गया तो आपको याद रखेगा होना, एक वर्ड आ जाएगा आपके माइंड में आंटी। आंटी आंटी ने क्या किया है, मनी लूट के रखी है। आप सोच लीजिए, क्योंकि जब अभी 2017 में जब नोटबंदी हुई थी उस समय बहुत सारे जो घर की लेडीज़ हुआ करती थी उनके पास से 1000 और 500 के नोट बहुत सारे निकले, क्योंकि वो लोग क्या करते थे पॉकेट से पैसे निकाल करके ऐसे ही सेविंग करती थी वो लोग। तो याद रखेंगे कि आंटी मनी, एंटी मनी को याद रखेंगे, आंटी जो है मनी लूट के रखी हैं। ओके, तो डबल ओ का कोई नहीं, एल का 5 और टी का 1, इसका परमाणु क्रमांक हो गया 51। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं SB से। ओके, एल्यूरियम को कैसे याद रखेंगे, इसे रिप्रेजेंट करते हैं टी से, इसका परमाणु क्रमांक होता है 52। लेकिन याद कैसे रखेंगे, देखिए टेल्यूरियम से टेलर शब्द याद रखेंगे, जैसे टेल्यूरियम आएगा आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा टेलर। और टेलर जब भी कपड़े को क्या करते हैं, काटते हैं, पहले अगर आप जाते हैं सिलवाने तो वो माप लेते हैं, माप लेने के बाद उस पर उसे काटते हैं और काटने के बाद सिलाई करते हैं। तो टेलर कपड़े को काटने से पहले क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, क्योंकि वो जो नाप लिए रहते हैं उसी को नाप पर लाइन खींच लेते हैं। तो बस यही आपके माइंड में आना चाहिए कि टेलर कपड़े काटने से पहले लाइन खींचते हैं। एल का 5, आई का कुछ नहीं, एन का 2, ई का कुछ नहीं, ये हो गया 52 परमाणु क्रमांक टेलरियम का। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन को कैसे याद रखेंगे, आयोडीन का नमक होता है जिसे हिंदी कहते हैं नमक। और नमक आप जानते हैं कि आपने आप सबसे ज़्यादा लोग वैसे बिकने वाला नमक होता है टाटा, लेकिन आपके माइंड में थोड़ा गलत चीज़ें याद रखनी चाहिए, लक्ष्मी, आप लक्ष्मी कंपनी का नमक खाते हैं। ओके, तो देखिए यू का कुछ नहीं, एक्स का कुछ नहीं, आई का कुछ नहीं, 5 और एम का 3, तो ये हो गया 53, इसका परमाणु क्रमांक हो गया 53। नेक्स्ट है जेनॉन। जेनॉन को कैसे याद रखेंगे, जेनॉन, जेनॉन को याद रखेंगे, जेनॉन को याद रखेंगे जा नान, जा नान लेकर आ, किसके लिए, लारा के लिए। मान लीजिए लारा दत्ता आपके घर पर आई हुई हैं तो, या फिर होटल में आप काम कर रहे हैं, होटल में आई हुई हैं तो आपने बोला जा नान लेकर आ लारा को, आप कौन सा नान आप जानते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं XE से, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 54। जैसे देखिए यहाँ पे L का 5, A का कुछ नहीं, R का 4, A का कुछ नहीं, तो हो गया परमाणु क्रमांक 54। CGM को याद रखेंगे, आप जानते हैं CGM हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो बिहार की है, और उसमें आपने जानते हैं कि लालू को बार बार चारा घोटाले में छोड़ा जा रहा था, तो बस याद रखिए कि CGM लालू को बार बार जमानत दे देते थे, लेकिन जब CBI बैठी है, स्पेशल कोर्ट बनाई गई, तो जमानत नहीं मिली, जेल हो गई। ओके, देखिए यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट करते हैं CS से, इसका प्रमाण क्रमांक होता है 5। तो याद कैसे रखेंगे, CGM लालू को बार बार जमानत दे देते थे, एल का 5, ए का कुछ नहीं, एल का 5, यू का कुछ नहीं, तो ये हो गया 55। 55 क्या है, परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट है बेरियम। बेरियम को याद कैसे रखेंगे, आप जानते हैं कि जब कोई रामायण देखा होगा, सभी लोग रामायण देखे होंगे अब तक, तो जब रामायण देखते हैं तो उस समय सबरी के आश्रम में लक्ष्मण जी और राम जी जाते हैं, तो राम जी तो बहुत प्रेम से उसके जूठे बैर को खा लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण खाने में शर्माते हैं, संकोच करते हैं, लज्जा करते हैं, ओके, और फेंक देते हैं। तो बेर खाने में लक्ष्मण को लाज आ रही है थी, तो डबल ए का कुछ नहीं, एल का 5, जे का 6, परमाणु क्रमांक 56, आप इसे याद रखिएगा। और बेरियम से आपको बेर रखना है बस याद, जैसे बेरियम आपके सामने आएगा बेर याद हो जाएगी। और बेर क्या कर रहे थे, लक्ष्मण खाने में, लक्ष्मण को खाने में ला जा रही थी, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं BA से, इसका परमाणु क्रमांक होता है 56, जिसे याद कर लेंगे लाज से। नेक्स्ट है लेंथनम। लेंथनम को याद कैसे रखेंगे, देखिए लेंथनम से एक शब्द पकड़िए, लेंथ, लेंथ लंबाई हो गई, और नीचे आगे मैंने लिखा LOC। LOC आप जानते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि खींची गई है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, कि
नेशनल एंथम गाते हुए खींची गई थी, आपको याद रखना है। जैसे ही लेंथनम होगा तो लिखिए लेंथ और नम, यानी कि लेंथ। नेशनल एंथम गाते हुए खींची गई थी, किसकी लेंथ? एलओसी की। ओके, तो एल का हो गया 5, ओ का कुछ नहीं और सी का 7, टोटल हो गया 57। 57 परमाणु क्रमांक हो गया लेंथनम का। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से, इसका परमाणु क्रमांक जैसा कि आपने याद। सीरियम, देखिए सीरियम को याद कैसे रखेंगे? सीरियम से एक वर्ड माइंड में रखिए, सीरियल। और सीरियल जो है औरतें बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, पसंद ही नहीं करती हैं, लव करती हैं। और अगर आप इंग्लिश अच्छी जानते हों तो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है लाइक और एक होता है लव, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। एक लाइक का मतलब वो होता है जिसे आपने, आपके पास, आप बस किसी चीज़ को पसंद करते हैं, मिले तो भी नहीं मिले तो भी। लेकिन लव ऐसी चीज़ होती है जो कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, मर सकते हैं। ओके, तो बस मैं जल्दी से बताता हूँ, जब मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा, ठीक है। तो सीरियल से औरतें बहुत ही लव करती हैं। तो देखिए यहाँ से L का 5, O का कुछ नहीं, V का 8, E का कुछ नहीं, परमाणु क्रमांक 58 हो गया। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं सी ई से, याद रखेंगे। जैसे सीरियम शब्द आएगा तुरंत याद रखेंगे कि सीरियल जो है कोई भी घर की लेडीज़ बैठ करके सोफे पे देख रही हैं, तो आप देख लेंगे कि ये क्या कर रही हैं, सीरियम है। ओके, सीरियम शब्द आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रेसियोडीमियम, इसे रिप्रेजेंट करते हैं पी आर से, परमाणु क्रमांक होता है 59। याद कैसे रखेंगे? प्रेसियोडीमियम यानी कि प्रसाद। प्रेसियो से प्रसाद शब्द याद पकड़ेंगे, और मियम यानी कि मैम, प्रसाद मैम लैब में दे रही हैं। तो आप जानते हैं कि जब केमिस्ट्री लैब में जाते थे एक चूर्ण पकड़ा दिया जाता था और कहते थे कि लो फाइंड आउट करो कि एसिड है कि बेस है। ओके, या फिर कौन कौन से इसमें केमिकल्स मिले हुए हैं या फिर कौन कौन से तत्व इसमें पाए जाएंगे, आप फाइंड आउट करो, ठीक है। तो वही याद रखिएगा कि प्रसाद जो है मैम लैब में दे रही हैं। तो L का हो गया 5, A का कुछ नहीं, B का 9, परमाणु क्रमांक हो गया 59, किसका? प्रेसियोडीमियम का। नेक्स्ट है नियोडीमियम, कैसे याद रखेंगे? इसे रिप्रेजेंट करते हैं ND से, इसका परमाणु क्रमांक होता है 60। नियोडीमियम से, नियो से न्यू याद रखिए, न्यू, डीएम से डिब्बा, न्यू डिब्बा में मैम घास डाल रही हैं। क्या याद रखना है आपको? कि न्यू डिब्बा में मैम घास डाल रही हैं। बस याद रखिए कि होता है कि थोड़ा सा कारिकुलम एक्टिविटीज़ कराते हैं स्कूल में कॉलेजेस में, तो वहाँ पे मान लीजिए कि कहा कि हाँ कुछ इस डिब्बे में, नए डिब्बे में कुछ घास डालो, और कुछ प्रयोग कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये तो आपके माइंड में थोड़ा सा आना चाहिए, बाकी आप याद रखिएगा नियोडीमियम से याद रखेंगे न्यू डिब्बा, और न्यू डिब्बा मैम घास डाल रही हैं। ओके, तो देखिए जी का आप जानते हैं कि 6, एच ए का कुछ नहीं, एस का 0, तो ये हो गया 60, यानी नियोडीमियम का परमाणु क्रमांक 60। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।